केलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ प्रिया। स्वागत है आप सबका चुनावी दंगल में। जैसा कि आप सबको पता है कि चुनावी माहौल चल रहा, इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची मधेपुरा, जहां पे उनकी मुलाकात हुई मधेपुरा जिला अंतर्गत उदा किशनगंज नगर परिषद के वार्ड संख्या 1 से पार्षद प्रत्याशी पूजा कुमारी और उनके प्रतिनिधि विनय कुमार से। तो आइए जानते हैं चुनाव को लेकर उनकी क्या क्या खास तैयारियां हैं और अपनी जनता को लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता विकास कुमार किस खास बातचीत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं विकास कुमार। नगर परिषद का चुनाव उदा किशनगंज में होना है। पहली बार उदा किशनगंज नगर परिषद बना है और जनता काफी उत्साह में और प्रत्याशी भी यहाँ पर काफी उत्साह में है। पहले चरण का मतदान जो है 18 तारीख को होना है और उसकी मतगणना जो है 20 दिसंबर को होगी और चुनाव प्रचार जो है वो अंतिम मोड़ पर है। हम इसी कड़ी में उदा किशनगंज से वार्ड नंबर 1 में हमारे साथ मौजूद हैं प्रत्याशी हैं पूजा कुमारी और उनके प्रतिनिधि हैं विनय कुमार। हम उनसे जानते हैं कि उनका चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है और किन किन मुद्दों के साथ वो चुनावी मैदान में आए हैं। चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ पे जो है बहुत सी चीज़ों की सुविधा अवैध है, मतलब नहीं है। जैसे कि पहले एम्बुलेंस, मेरी यही कहना है कि अगर मैं जीतूंगी उसके बाद जो है सबसे पहला काम करूंगी कि एम्बुलेंस की सुविधा करवाऊंगी। उसके बाद बिजली तो है, खंभे लगे हुए हैं लेकिन उस पर लाइट नहीं है, LED लाइट, वेपर लाइट जो होती है। उसके बाद रोड है बनी हुई लेकिन नीचे में जो है नाले की व्यवस्था नहीं है। नाले की व्यवस्था जैसे एक दिन बारिश हो जाती है पूरा कीचड़ से भर जाता है, मतलब चलने लायक नहीं रहता है। उसके बाद नीचे जो रोड से नीचे की साइड में घर बनी हुई है उसको रोड की सुविधा नहीं है, ना बिजली की सुविधा है। चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जी समाज सेवा में कितने दिन से? समाज सेवा तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन ये चुनावी माहौल जो है पहली बार मैं चुनाव में उतरी। जनता पूजा कुमारी को वोट क्यों करेगी, आप कुछ बताएंगे जो आपने पहले सामाजिक काम किया है? पहले से जो है जो भी जनता के बीच हम लोग जाते थे, मिलते थे, उनकी सारी समस्या को सुनते थे। जैसे कि जो काम बोलते थे कि ये काम नहीं हुआ, जैसे वोटर कार्ड का, आधार कार्ड का या कोई भी सुविधा, उनको ये लगता था कि मेरे पास इनसे इन मिलने के बाद हो जाएगा, तो वो काम हम लोग करवाते थे खुद से जा कर के। जनता का सपोर्ट मिल रहा है? जनता का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार मिल रहा है हमें। अच्छा, अगर आप जीतेंगे तो 5 ऐसा काम बताएंगे इनके जो आप जनता के लिए सबसे पहले करेंगे? मेरा पहला काम वही एम्बुलेंस लाना, पहली सुविधा। दूसरी है कि बिजली, जो कि खंभे है अभी उस पर वेपर लाइट वगैरह नहीं है और नीचे में भी नहीं है। नाले की, शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार। कुछ लड़कियाँ हमारे यहाँ की बहुत दूर दूर जो है ना पढ़ने के लिए जाती है, उनको समस्या होती है आने जाने में, उसके लिए हम काम करेंगे। उदा किशनगंज नगर परिषद के का चुनाव 18 दिसंबर को होना है। हम उसी कड़ी में हैं, वार्ड संख्या 1 में हैं। हमारे साथ इस बार जनता है, नेता से तो हम मिलते ही रहते हैं, हमारे साथ जनता। हम वार्ड नंबर 1 में हैं, यहाँ हम जनता से बात करेंगे कि जनता किस तरह का प्रत्याशी इस बार चुनती है और किसको अपना नेता बना रही है। किनका वोट दे रहे हो? हम लोग देंगे अपना वार्ड में। किनको? नाम तो पूजा कुमारी का देंगे। क्यों? अच्छा होगा, अच्छा सब कुछ करेगा। क्या कैसे लगता अच्छा करेंगे? है अच्छा क्यों लग रहा? अच्छा होगा, जो मकान देगा, जो ढंग का विकास होगा, विश्वास है पूरा करेंगे। क्या सर? सही बात है, वही बात है, सही। क्या नहीं बात, क्या बात है बताइए ना। बात है जो पूजा कुमारी बहुत अच्छी है, हर जगह से बोली विचार सब कुछ पूरा गांव समाज में अच्छी काम करती है। निश्चित है, तो निश्चित है, तो इसीलिए मतलब हम लोग चाहते हैं। कहीं झूठ तो नहीं बोल, झूठ नहीं बोलते हैं। क्या सर कैसा नेता चुन रहे हैं इस बार आप? नेता जो है मेरा पूजा कुमारी, बहुत सुंदर बच्चिया है। पैसा उसा दिए हैं क्या? पैसा का लालच में मरने, पैसा के लालच में लोग मर जाते हैं, इंसान मर जाते हैं सर, लेकिन उसके व्यवहार और कदर के लिए हम लोग मरते हैं। व्यवहार से इनको? हाँ, व्यवहार से इनको वोट दे रहे हैं। क्या सर, हमको बोलने नहीं आता क्या? देखिए जनता उसी को चुनेगी जो शिक्षित है। जी जी, कैसा लग रहा, कैसा नेता होना चाहिए? नेता ऐसा होना चाहिए जो शिक्षित रहे, ईमानदार रहे, जो जनता के प्रति हमेशा तैयार रहे। कौन है शिक्षित ईमानदार?
पूजा कुमारी को देंगे टेम्पू छाप। क्यों? कारण कारण यही है, जो शिक्षित है ईमानदार, हम लोग को लग रहा है वो काम करेगी। लग रहा है यानी आप विश्वास? विश्वास 100% विश्वास है। क्या ऐसा? हाँ, हम लोग पूजा कुमारी को वोट देंगे, वो काम करने में अच्छी है, पढ़े लिखे बढ़िया है। आदमी को वोट दे रहे हैं, बाकी लोगों का क्या होगा? तो बाकी लोग, हम लोग को जो अच्छा लगेगा, ये जो है बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी अच्छी है, पढ़े लिखे के कारण। हाँ, पढ़ी लिखी और हाँ काम करने के लिए अच्छी काम करेगी, इसलिए। कहीं ऐसा नहीं कि इनके जीतने के बाद आपको? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा कोई दिक्कत? डायरेक्ट आप मिल सकते? हाँ, डायरेक्ट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या ऐसा? ठीक है सर। क्या ठीक है? पूजा कुमारी को ही वोट करेंगे क्योंकि ये शिक्षित है, ईमानदार है। नहीं, भीतर से ही बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग देखिए अभी एक नंबर वार्ड में बहुत ऐसी सुविधा है जो नहीं मिली है, जैसे एम्बुलेंस के लिए भी हम लोग को बहुत दौड़ना पड़ता है, बिजली भी कहीं कहीं नहीं गई है, तो ये थोड़ा पढ़ी लिखी है, ये कुछ करेगी, विश्वास लग रहा है हम लोग को। लग रहा है विश्वास पे? हाँ, सपोर्ट करेंगे हम लोग पंचलाल कुमार। क्या आप तो युवा हैं? जी जी, बोलिए। क्या लग रहा है जो चुनाव हो रहा है? हाँ। आप किसको नेता बना रहे हैं इस बार? विनय कुमार को। पूजा को अच्छा आदमी है? विनय कुमार तो खड़े नहीं हुए, खड़ा तो पूजा कुमारी भी है ना, तो पूजा कुमारी भी तो अच्छा आदमी है। तो आपको जरूरत पड़ेगा पूजा कुमारी के पास में जाएंगे? हाँ, पूजा कुमारी के पास जाएंगे, पूजा कुमारी हो सब चीज का काम करेगा। क्या नाम है आपका? सीता देवी। क्या चाची, हम भी पूजा को देंगे? पूजा अच्छा आदमी है, इसीलिए दे रहे हैं? नहीं, हम सब ही लोग देंगे, अच्छा आदमी है। अच्छा, हाँ, क्या अच्छा ही किया? जरा बहुत अच्छा किया है। दूसरे को भी देख लिए, उन्हें कुछ किया तो दूसरे को बनाना चाहते हैं। क्या वह बात है? पूजा कुमारी का हम देंगे। कारण क्या? कारण है सब कुछ में बढ़िया है पूजा कुमारी। ऐसा नहीं कि सब दे रहा है इसीलिए? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। क्या चाची, हम भी पूजा कुमारी को देंगे। क्यों? क्यों, कभी इस गाँव में नेता नहीं बना है, इसलिए इस बार नेता बनना है। अरे ये कब भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही करते हैं, जल्दी दबाओ।